नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। और इस वक्त हम मौजूद हैं मोहनपुर पंचायत के पुन्नख गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और ये जो पूरा इलाका है वो बाढ़ से ग्रसित हो चुका है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने लोग बाढ़ से परेशान हैं और वो किस तरह से अपने ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और सरकार से उनको क्या क्या सुविधा मिली है और क्या क्या वो सरकार से मांग कर रहे हैं। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। कुछ मिलना चला तो कतिल आपके हम घिच बो कतिल पानी में खड़ी रह बो कुछ नहीं मिले छे पक्का चढ़ी चढ़ी बैठी खाए चार रहे छे चार दिन हम पक्का चढ़ी जबे। यहाँ पे कब आया या कितना दिन हो गया यहाँ पे बाढ़ का पानी आने से? हर साल आवे छे बेटी और लगता पुनी छ रहे नो में है बाप की हो ये तो पानी कम रह बो सब की कब घिची का कम मिलता है जो कुछ न मिले जो एटा चार दाल नहीं मिले जो मिले जो कुछ जो बोलबो अनाज पुने पौसा भसी गले है नी मिले क्या अभी तक कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है? कुछ नहीं मिले छो तब तब सब रोपलो धान डूबलो कहियो कुछ नहीं मिले। आपका घर किधर है? कौन सा घर है? कौन सा घर है आपका घर? तो ये अभी पूरा डूब जाएगा। इतना पानी आई है बेटा इतना बरसाती बरसाती पानी आई है हेली हेली। फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? पक्का चढ़ी कर पानी हेली ऊपर कर पक्का कर खाए छे। और अगर बारिश आ जाएगी तो तिरपाल भी छाए छे तोड़ी कर पन्नी तोड़ी कर धान वाले गली गले की खाए मसनी भुकली मरवाए की हो धान सब डूबी गले अब आना घरों में पानी डूबते अब पक्का पर की खा कर बच्चा बुतरुक से भी पेटे पानी नहीं रहे कपाल का है आरो तो की बोलब। कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक? कुछ ना लिखी लिखी जाए छे आरो कुछ ना राशनी दे छे पौर खाना या थे बच्चा मरी गले कत्ता डूबी डूबी तैयो कुछ नहीं दिलके है आदमी दुनिया में रहता है तभी हम कुछ करता है। देखिए यहाँ पे इस गांव के जो भी लोग हैं इनका कहना है कि अभी तक मतलब पूरी तरीके से इस गांव में बाढ़ नहीं आई है और ये इस गांव में बाढ़ आती है और हर वर्ष आती है और ऐसा हर साल आती है और ऐसा आती है जो ये जो मकान आप देख रहे हैं ये जो सब मकान है ये सब मतलब पूरा पानी में ये सब डूब जाता है लोग ऊपर रहने को मजबूर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे साथ एक चाचा भी उनसे हम बात करेंगे। चाचा क्या सुविधा दी जा रही है आपको और इस गांव के क्या हालात है अभी? अभी तो फिलहाल सुविधा तो कुछ भी नहीं है और हमको लगता है दो चार दिन के अंदर में ये सारा डूबेगा कोई नहीं बचेगा इधर पूरा डूब जाएगा सब घर में। अगले साल टोटल में पानी था हो सकता है कि जिस रफ्तार से गंगा बढ़ रही है तो इस बार भी हमको लगता है डूब जाएगा दो तीन दिन के अंदर में। तो क्या अधिकारी की तरफ से कुछ आता है कोई? अगले साल तो यहाँ पर मतलब कि भोजन बन रहा था सरकार की तरफ से भोजन बन रहा था टीम आई थी दाल चावल सारे चीज लेके आए थे बना था यहाँ पर सारे लोग खाना खाते थे। तो क्या सरकार इस बार सारा बाढ़ डूबने का वेट कर रही है कि बाढ़ में जब सब लोग डूब जाएंगे तब आएंगे देखने के लिए? लग तो रहा उससे पहले कुछ करा जाए लोगों को ऊंचे स्थान पे पहुंचाया जाए पहले अगर पहल होता तो ज्यादा बेहतर रहता अभी तक तो कोई नहीं आए हैं ताकि नुकसान होने से बच जाए। हाँ, पहले आने के बाद तो नुकसान से बचा जा सकता है। क्या यहाँ की सरकार यही करती है कि जब बाढ़ आ जाएगा लोग डूब जाएंगे मवेशी भी होंगे ना? हाँ सारा मवेशी से तो भरा हुआ है अभी तो सारे के सारे बैयार में है शाम होते सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मकान पक्की ईट के घर है ठीक है ना तो लोग उसके ऊपर रहने मतलब बाढ़ आ जाता है तो लोग वहाँ पे रहने को चले जाते हैं लेकिन जिसके घर पे वो नहीं है छत नहीं है तो वो लोग कहाँ जाते हैं? किसी दूसरे के यहाँ जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे ऊंचा स्थान पर किसी दूसरे के यहाँ चले जाएंगे और सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ न मकान है न कुछ है। देखिए चाचा कह रहे थे कि यहाँ पे सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे सरकार की तरफ से सुविधा नहीं दी जाती है। चलिए चाची कुछ दिखाने जा रही है हम। चाचा इधर के बारे में बताइएगा कि ये कितना नीचे पानी है यहाँ? नीचे भर कमर है कमर भर है इधर गड्ढा वगैरह भी है। हाँ गड्ढा है इधर तो गड्ढे है देखिए ना यहाँ से वहाँ जाएंगे गड्ढा वगैरह भी है ना तो इतना पानी होगा
इतना भरा चुका है पानी जी। देखिए ये जो गांव यहां पे चाचा बता रहे हैं कि ये गले तक पानी आ चुका है। जहां तक देखिएगा वो टोटल धान लगा हुआ है और ये सब धान अब जो है गल गया, सारा गल गया जी, सारा पानी में डूब गया, पूरा डूब गया, सारा बर्बाद हो गया जी जी। तो मतलब आप लोग का भी कुछ धान होगा जो बर्बाद हो गया होगा? हम लोगों के सभी का है यहाँ, यानी 5 बीघा 4 बीघा 2 बीघा। तो उस जो वो डूब गया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? उसके लिए कुछ मुहैया कराया जाए कुछ अपने तरफ से, अगर सरकार। तो हर वर्ष बाढ़ आती है, हर वर्ष डूब जाता होगा जी, हर तो अगले वर्ष भी डूबा होगा जी। तो उस बार दी गई हाँ सहायता दिया था, बीमा वाला जो है फसल में सहायता दिया था। अच्छा, तो इसलिए प्रयास कीजिए आप लोग ये है आगे, यानी कि बात बढ़ाइए। ये इस क्षेत्र के ही है जो पूरे बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जो बाढ़ ग्रस्त हो चुके हैं, मतलब लोग बहुत ज्यादा विवश हैं अपने जिंदगी को लेकर के कि यहाँ पे कैसे रहेंगे। कुछ लोगों का तो घर डूब चुका है और कुछ लोगों का घर अभी तक नहीं डूबा है, लेकिन वो लोग भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए कुछ सुविधा दी जाए। ताकि ऐसा क्यों होता है कि जब बाढ़ आ जाएगा, जब लोग डूब जाएंगे, जब लोगों को परेशानी होगी, मवेशी मर जाएंगे, बच्चे डूब जाएंगे, बच्चे को पढ़ने लिखने में परेशानी होगी, तब सरकार क्यों उसके लिए कुछ करती है? उसे पहले क्यों नहीं किया जाता है? जब अलर्ट किया जाता है कि बाढ़ आने वाली, तो उससे पहले भी तो कुछ किया जा सकता है क्या? मतलब जब बाढ़ आ जाएगी तब उसके बाद लोगों को, आप लोग जाते होंगे ना ऊंचे शरण पे जाते होंगे? हाँ, जब बाढ़ आ जाती हाँ, है ऊंचे जगह पर जाते हैं सारे बच्चे। ये जो है जो ये लोग, ये जो बच्चे सब हैं, इनके पढ़ने के टाइम है, ये लोगों को क्या पता है कि बाढ़ क्या होता है? पता है किसी को बाढ़ क्या होता है? सबका स्कूल बाढ़ क्या होता है नहीं पता। जब बारिश होती है, किसी के घर के ऊपर छत नहीं है, लोग पानी ये क्या बोलते हैं उसको, पन्नी चट्टी लगा करके रहते हैं। तो ये लोग बच्चे, ये जो बच्चे जिनके पढ़ने की उम्र है, और ये बच्चे लोग इतना झेलते हैं हर एक चीज़ को। तो सरकार को इनके लिए सोचना चाहिए कि ऐसे मुसीबत ना खड़े हो। देखिए आप, जिस बच्चे के पैर में जूते होने चाहिए, जिस बच्चे के पैर में जूते होने चाहिए, उस बच्चे के पैर में कादो लग रहा है। तो यहाँ कैसे क्या होगा, बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? इसलिए ये जो है ना, ये बिहार है, और बिहार के बच्चे को देखिए आप।